तो दोस्तों अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो पहले कुछ इस तरह की थी जिसे मैंने एडिटिंग के थ्रू कुछ ऐसी बनाई है। तो दोस्तों एडिटिंग के साथ आप अपनी वॉइस को क्लियर ही नहीं बल्कि उसमें एक अलग सी क्रिएटिविटी लाकर उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। और दोस्तों ये एडिटिंग मैंने पीसी या लैपटॉप से नहीं की है, यह एडिटिंग मैंने मोबाइल से ही की है, जिसके लिए आपको बस एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिगिनर भी इसको बढ़िया आराम से चला पाएगी। बहुत ही सादा और सिंपल इसका इंटरफेस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ओपन, इस पर आपको क्लिक करके जिस वॉइस को भी आपको एडिट करना है वो यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो पॉइंट मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप अपने वॉइस में जहाँ भी कट लगाना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो, वो एरिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर आकर यहाँ पर कट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप जो है अपने वॉइस को कट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है विंडो का। तो दोस्तों विंडो, इस ऑप्शन की मदद से आप जो है वॉइस में कोई भी पार्ट को आप गलती से कट कर देते हो या फिर कोई भी इफेक्ट आप गलती से यूज कर लेते हो तो इसकी मदद से दोस्तों आप जो है पीछे आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, आप रिकॉर्डिंग के वक्त गड़बड़ा जाते हो या फिर कुछ वर्ड बोल नहीं पाते, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जो कि है कॉपी और पेस्ट। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग में कई जगह पर कुछ वर्ड बोलना भूल गए हो और उस रिकॉर्डिंग में आपने आगे कहीं उस वर्ड को बोला है, तो सिंपली आप उस वर्ड को वहां से कॉपी करके जहां पर भी आप चाहते हो उस रिकॉर्डिंग में लगाना, वहां पर आप उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर हो सकते हैं अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नॉइस रिडक्शन की। तो दोस्तों नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन इस एप्लीकेशन में भी मिलता है, पर दोस्तों उससे उतनी अच्छी नॉइस रिडक्शन नहीं होती। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वेवपेड एप्लीकेशन का यूज करो, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों उस एप्लीकेशन से काफी बढ़िया नॉइस रिडक्शन होता है और यहां तक कि मैं भी उसी एप्लीकेशन का यूज करता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां थ्री डॉट पर चले जाना है, देन आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा इक्वलाइजर और एम्पलीफायर का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद इतने सारे पॉइंट को देखकर आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर जो लेफ्ट के जो पॉइंट है इनसे आपके वॉइस में बेस आता है और राइट के जो पॉइंट है इनसे आपके वॉइस में ट्रबल आ गया। तो दोस्तों इससे आपके वॉइस में कैसा इफेक्ट होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं ये जो लेफ्ट के जो पॉइंट है इनको मैं बढ़ाता हूँ तो हमारी जो वॉइस है वो कुछ इस तरह से आएगी, और दोस्तों मैं ये राइट के जो पॉइंट है इन्हें अगर मैं बढ़ाता हूँ तो हमारी वॉइस कुछ इस तरह से आएगी। और दोस्तों अगर आप फेक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हो तो आप जो ये ट्रबल वाले जो पॉइंट है इनमें अपने वॉइस के हिसाब से आपको जो है सेटिंग कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वॉइस जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो आप अपने वॉइस के हिसाब से आपको इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाते हो तो आप इन दोनों में बैलेंस बना के रखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप मोटिवेशन पर वीडियो बनाते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रिवर्ब का। तो इसकी मदद से दोस्तों आप अपने वॉइस में जो इक्वल आ सकते हो, इसमें आपको सेटिंग के थ्रू आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो अगर आप मोटिवेशन पर वीडियो बनाते हो तो आप इको का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल वीडियो में भी यूज कर सकते हो अपने वॉइस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कंप्रेसर का। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, इसकी सेटिंग आपको डिफॉल्ट में ही रहने देनी है और आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी वॉइस की जो लेयर रहेगी वो दो दिखेगी आपको यहाँ पर। अगर आपने वेवपैड एप्लीकेशन से नॉइस रिडक्शन किया है तो यहाँ पर आपको दो लेयर दिखेगी। तो दोस्तों आपको इसको जो है एक लेयर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है यहाँ थ्री डॉट पर और इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ नीचे आपको कन्वर्ट स्ट्रेट मोनो इस नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने वॉइस को जो है मोनो में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि स्ट्रियो में रहेगा तो उसको आपको मोनो में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपकी जो वॉइस है वो एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे दोस्तों आपकी वॉइस जो है वो काफी बढ़िया लगेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हो।